हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आरके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू हाउस। तो दोस्तों, ये हाउस कहाँ पर है, इसका प्राइस क्या है, इसका प्लॉट साइज क्या है और ये लोनेबल है या नहीं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहे इस वीडियो को आखिर तक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो हमारी प्लानिंग है वो कहाँ पर है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। राजस्थान में जो कोटा सिटी है वहाँ पर हमारी प्लानिंग है, जो कि यहाँ के मेन रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है। तो दोस्तों, वहाँ का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस है 100 ग्राम में सिल्वर वेल स्कूल के पीछे। और इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं वहाँ पर उस प्लानिंग की, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, वहाँ पर जो प्लॉट साइज मिलेगा आपको हाउस का, तो वो है 2540, जो कि पूरा 1000 स्क्वायर फीट होता है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ वहाँ जो एरिया है वो लोनेबल भी है, आपको वहाँ पर लोन भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं हाउस के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैंने यहां पर एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको अच्छे से समझने में आएगा कि हाउस बाहर से कैसा है और अंदर से क्या है, आपको उसमें कितने बेडरूम मिलते हैं, कितने किचन और कितने लेट और बाथ और क्या है वहाँ की कंडीशन, वो आपको मैं सब कुछ वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं लास्ट तक। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है हमारा हाउस। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे हाउस का पूरा फ्रंट एरिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी एक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर लाइट वगैरह सब कुछ हो चुकी है। साथ ही साथ देख सकते हैं दोस्तों, इसी टाइप के सेम पूरे 12 मकान यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें से लोग आधे से मकान ज़्यादा सेल हो भी चुके हैं और इनके अंदर लोग वगैरह रहने भी लग गए। तो दोस्तों चलते हैं इस मकान के अंदर, मैं आपको इसमें बता देता हूँ यहाँ पर आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, प्लॉट साइज़ मैंने आपको बता दिया, 2540 इसका प्लॉट साइज़ है, पूरे 1000 स्क्वायर फीट का है। यहाँ पर आपको अपनी कार पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ये मकान के बाहर गैलरी मिल जाएगी। ये देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको गैलरी दिखा देता हूँ, ये यहाँ से आपकी गैलरी रहेगी। अब इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दोनों तरफ गेट मिलते हैं। ये आपका आपको एक इस तरफ गेट मिलता है और आपको इस तरफ गेट मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा मेन गेट। यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो दोस्तों, सभी सीलिंगें यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेगी, सभी रूम में अलग अलग फोर सीलिंग हो रही है, सभी में यहाँ पर लाइट वगैरह फिटिंग हो चुकी है और कलर वगैरह भी यहाँ पर हो चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, बाहर आपकी गैलरी रहेगी और ये आपका हॉल रहेगा। यहाँ पर भी हॉल में ऊपर की तरफ आपको फोर सीलिंग कुछ अलग ही मिलेगी। यहाँ पर आपको आपके जो इसमें हॉल है वहाँ पर दीवार में आपको कुछ इस तरह से कलर वगैरह मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आपका हॉल भी काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हॉल के जस्ट साइड वाले एरिया में यहाँ पर दोस्तों आपका ये रहेगा किचन। ये देख सकते हो दोस्तों, ये आपका रहेगा यहाँ पर पूरा का पूरा किचन एरिया है यहाँ पर। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, इसमें भी लाइट वगैरह फिटिंग हो चुकी है। काफ़ी बड़े साइज़ में आपको यहाँ पर किचन भी मिल जाता है, जहाँ पर जिंक वगैरह लगा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगी हुई है, अच्छे से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, नीचे की तरफ यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका हॉल। अब मैं आपको यहाँ पर हॉल के यहाँ से दिखा देता हूँ पीछे का एरिया। तो दोस्तों, सामने की तरफ आप देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ आपकी सीलिंग, सामने की तरफ आपके यहाँ पर दो बेडरूम हो गए। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर अटैच में लेट और बाथ दोनों ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब ये तो हो गया यहाँ पर पहला रूम। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी फोर सीलिंग के डिज़ाइन सभी में अलग अलग है, सभी में अलग अलग डेकोरेशन है। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर फोर सीलिंग। और जो आपको ये सेकंड वाला जो रूम मिलता है, जो ये आपका बेडरूम है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर दोस्तों लेट और बाथ दोनों ही यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी अच्छे से कलर वगैरह हो रहा है। और यहाँ पर आपकी मॉड्यूलर अलमारी है यहाँ पर, ये जो कमरे में अटैच में बनी हुई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें स्पेस मिल रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब यहाँ पर आपको अटैच में ही यहाँ पर बाथरूम और वेस्टर्न लेट यहाँ पर आपको मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये मकान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं सेल होने के लिए, और यहाँ पर सभी यहाँ पर इसमें डेकोरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो चुकी है।
दोस्तों ये स्पेस रहेगा आपका यहाँ पर कूलर वगैरह रखने का और एयर वगैरह यहाँ पर पास होने का, ये आपका स्पेस रहेगा। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे यहाँ पर पहले वाले बेडरूम की। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये इसके बगल में जस्ट हमारा सेकंड वाला बेडरूम है। तो दोस्तों प्लाट यहाँ पर हमारा 25-40 का है, तो मैं आई होप आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा यहाँ पर आपको एरिया मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये है आपका सेकंड वाला बेडरूम। इसमें भी फोर सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पर आपको अलग मिलती है पूरी तरह से। इसमें कलर वगैरह और रोप लाइट वगैरह यहाँ पर सब कुछ फिटिंग हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर अंदर आकर यहाँ पर आपको इसको दिखा देता हूँ अंदर से भी। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और अलमारी यहाँ पर मिल जाएगी काफ़ी बड़ी, जो आपके रूम में अटैच है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पूरी तरह से रूम अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर दोबारा से सब कुछ यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका किचन, और ये हो गया आपका हॉल। और हॉल के यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो बीच का एरिया है दोस्तों, ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा, और इसके अगल बगल में यहाँ पर आपके बेडरूम रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ से जो आपका ये जीना है, तो जीने के ऊपर का एरिया भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों जीना भी काफ़ी आपको यहाँ पर बड़े स्पेस में मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर के एरिया में भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो बाहर से आपने देखा था, जो ये बाहर वाला एरिया था मकान का फ्रंट का, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जीना भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर रेलिंग वगैरह भी यहाँ पर लग चुकी है पूरी तरह से, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है, लाइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर फिटिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जो आपका टेरेस है, तो वो टेरेस आपका किस टाइप का है वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा 25-40 का बड़ा सा यहाँ पर आपका टेरेस है। तो दोस्तों ये है मकान, जिसमें आपको ऊपर पानी की टंकी वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी, और ये आपकी जो टेरेस है, तो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो मकान है उसके बाहर आपको कितना बड़ा बाहर की तरफ आपको रोड मिलता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर कई सारी प्लानिंगें हो चुकी है और कई सारी बिल्डिंगें यहाँ पर बन चुकी है। और जो ये मेन रोड रहेगा आपके मकान के बाहर, तो ये पूरा रोड है, 30 फीट चौड़ा रोड है यहाँ पर जो आपके मकान के बाहर रहेगा। आपको इसमें अंदर कार पार्किंग का स्पेस, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका मकान किस तरह से रहेगा। आई होप आपको इसमें सब कुछ समझने में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरे 12 मकान है जो कि यहाँ पर सेल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी लेना है तो आप जल्दी से जल्दी मुझसे कॉन्टेक्ट करें। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ समझने में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ पर मुझसे कॉल कर पूछ सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैंने वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर, और अगर आप मुझसे कॉमेंट कर पूछना चाहते हो तो आप नीचे वीडियो में कॉमेंट कर मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है और या किसी भी तरह की आपको इसमें जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर शो कर रखे हैं, आप यहाँ पर मुझसे कॉल कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोटा में और भी कई तरह के हाउस या प्लॉट वगैरह लेने हों, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर उनके बारे में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट हाउस की जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।